हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रेट इंडियन किचन। यहाँ मिलती है आपको सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपीज जिनको आप आसानी से बना सकते हैं। हमारी आज की रेसिपी है ये आलू बुखारा जैम। इसको बनाना बहुत आसान है, इसको प्लम जैम भी कहा जाता है। ये देखिए देखने में कितना सुंदर है, जितना देखने में सुंदर है उतना ही खाने में स्वादिष्ट है और बनाना तो आसान है ही। तो चलिए आज हम बनाते हैं आलू बुखारा का जैम। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, ये कितना गाढ़ा है। आप इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए। आप एक बार इस जैम को बनाएंगे तो आपको बाजार से कभी भी जैम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार बनाएंगे। रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आलू बुखारा जैम बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम आलू बुखारे लिए हैं। इसको इंग्लिश में प्लम भी कहते हैं। इसका जैम बहुत टेस्टी बनता है और सबसे बड़ी बात इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और उसको पोंछ लिया है क्योंकि हम इसको स्किन के साथ ही यूज करेंगे, इससे इसका कलर और सुंदर होगा। इस तरह से लेके इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने सारे प्लम्स को काट के तैयार कर लिया है। अब हम इसको ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो हम डायरेक्टली इसको पैन में चढ़ाकर पका सकते थे, पर उससे ना इसकी जो स्किन है और इसके छिलके ये मोटे मोटे जैम में आएंगे, तो इसलिए हम इसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स देख लिए, हमने इस तरह से इसको पीस के तैयार कर लिया है। जैम बना रहे हैं तो हमें चीनी की ज़रूरत तो होगी ही, तो हमने ये हाफ कप से कोई एक आधा स्पून ज़्यादा होगी इतनी चीनी ली है। आप मीठा अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, पर इतने प्लम्स में हाफ कप चीनी तो जाएगी। तो अब हम गैस ऑन करके पैन रखते हैं। फ्रेंड्स हमने गैस ऑन कर दिए, इसमें ये पूरी प्यूरी डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे ये चीनी। और इसको स्लो फ्लेम पर चलाएंगे। फ्रेंड्स देखना, जब ये जैम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसका कलर बहुत सुंदर निकल कर आएगा और हम इसकी थिकनेस का भी टेस्ट करेंगे। और कोई जैम होता है तो उसमें हमें थोड़ा सा नींबू डालना पड़ता है, पर ये प्लम ही इतना खट्टा होता है कि इसमें हमें नींबू की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको जब तक ये अच्छे से ठीक नहीं हो जाता, इसको हम इस तरह से पकाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैम लगभग तैयार हो गया है। ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में, पर हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं कि पूरी तरह से पका है नहीं पका, क्योंकि हमें ऐसा जैम नहीं चाहिए जो ब्रेड पर पड़ते ही ब्रेड बिल्कुल सोगी सोगी हो जाए। तो चलिए हम इसका टेस्ट करते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से बना है नहीं बना।
इस तरह से एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट पर कुछ ड्रॉप डालेंगे जैम की। अगर ये इस तरह से बहेगा, देखिए डालते वक्त भी ये बहेगा, तो इसका मतलब इसको और पकाने की जरूरत है। ये देखिए ये नीचे आ रहा है बहकर, हम इसको 5-1 मिनट और पकाएंगे। सिर्फ 5 मिनट की कसर है, वैसे ये पानी इसमें साइड में कहीं भी नहीं है, अच्छे से पक रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जैम बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। कितना स्मूथ बना है, देखने में कितना सुंदर कलर आया है। इसको हमने बिना पानी के बनाया है, सिर्फ चीनी की चाशनी में पकाया है इसके पल्प को। अब ये बिल्कुल तैयार है, गैस ऑफ कर देते हैं। इसको ठंडा होने के बाद आप किसी जार में भरकर रखकर, फ्रिज में रखकर कई दिनों तक यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसको दिखाती हूँ प्लेट में डालकर, ये कितना अच्छा बना है। ये देखिए एक ड्रॉप डाल दी मैंने, बहुत स्लोली नीचे आ रहा है, पानी कहीं भी नहीं छूट रहा, तो इसका मतलब हमारा जैम बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसको ठंडा होने देते हैं।